A 22-day long journey finally culminates on this spectacular Sunday. Hello and welcome to the Nordwind Gaming Arena. My name is Suren Sundaram, and tonight is the night where we crown the champions of BGMI Master Series Season 2. Who is it going to be? Is your favorite team winning that 1 crore prize and walking away with that trophy? कुछ तो करने वाले हैं. अगर हो गया तो पहले दो गेम में परिणाम दिखेगा. लेकिन इस बार देखना ये है कि इस Erangel का परिणाम क्या रहता है. Ninth game Erangel करें आज. Shadow एक grenade अभी भी cook कर रहे हैं. Footsteps की आवाज उनको आ चुकी है बिल्कुल सामने. Admin तो आए. इंस्टेंटली पिक किया गया वहीं पर. एनिग्मा और ब्लाइंड की भी फाइट हो चुकी है जिसके अंदर मैक्स कैश केस भी थोड़ी सी कम. इनफैक्ट उनको किया जाएगा डाउन. नकुल बाल बाल बचे हैं इंफिनिटी उनके सामने और एक और खिलाड़ी पकड़ा है. क्या नकुल एक और प्लेयर को बाहर कर सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हाहाकार. नकुल के दो फिनिशेस. ब्लाइंड की तरफ से एक लौते खिलाड़ी बचे हुए और ये फाइट खत्म होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन अब बचे हैं सिर्फ नूब. नाम के विपरीत काम किए हैं इन्होंने. आज एक और बार करना पड़ेगा जब टीम को सख्त दरकार है, सख्त जरूरत है. बिल्कुल सामने है खिलाड़ी. इन्हें पता है भापा हुआ है. एक को जाने दिया जाएगा लेकिन दूसरे को क्या ये पकड़ पाएंगे? जी बिल्कुल कोशिश और पकड़ा जाएगा. करेंगे तो रही बात कंटेनर्स की. देखिए वहां पे भी जंग छिड़ चुकी है. जाजी के ऊपर टीम मेडली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हावी हो रहे हैं. इमॉर्टल के पास बहुत ही अच्छा एंगल है और क्योया भी आगे सही टाइम पे कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए. इमॉर्टल की एच पी कम बट टीम बीएलटी दे हैव डेल्ट विद ऑन को हीरो तो बन चुके बट टीम 8-bit देखिए इस पहाड़ का फायदा उठा सकते. छोटा 8-bit के खिलाड़ियों को भी शॉट्स पड़ रहे हैं लेकिन साइड लाइन से और इसी में ग्लैडिएटर्स को दिक्कत दी जाएगी. 20 स्प्रे रोका नहीं और उसका मिला है एक बड़ा फायदा. वहीं पे इन सब फाइट्स के बीच में आपको याद दिला दूं ओजी जीवित है और ग्लैडिएटर्स ले रही है फाइट. 8-bit के ऊपर हावी होकर के टीबीएस का इस्तेमाल करने की कोशिश. इस शाक के अंदर शोगन गए हैं बिल्कुल पीछे उनके खिलाड़ी रहेंगे बट उन्हीं को चढ़ के खत्म किया जाएगा. दोनों खिलाड़ी जो उनके ऊपर चढ़ रहे थे ग्लैडिएटर्स को किया है बाहर. मतलब ओजी को एक थोड़ा सेफ्टी कुशन मिल सकता है बट इनसेन दे आर इन द फाइट और उनकी फाइट वन ब्लेड से ये राइवलरी फिर हुई शुरू. हीरो बिल्कुल सामने आ चुके हैं. एचपी बहुत ज्यादा कम लेकिन अब रॉक्सा की बारी आएगी. यूएमपी लेकर के साइड लाइन पे जा रहे बहुत कम एचपी है इनसेन की लेकिन डार्क लॉर्ड करेंगे खत्म. एक बेहतरीन एलिमिनेशन. आदित्य सारंग पुकार पीछे नूब स्टिल सर्वाइविंग. एक ग्रेनेड अगर 8-bit की साइड से आया जो कि आ चुका है माइटी सारंग को करेंगे पिक और बीस्ट वेस गॉड. एक ओपी बचे हैं आखिरी खिलाड़ी सरवाइव करते हुए. फिनिशर ज्यादा नहीं और रैंगुटैन के पास ओनली है वन फिनिश. भाई पुकार जोन के बाहर अपना फिनिश किसी को नहीं देना चाहते शायद जोन के प्रति ये चले जाए लेकिन 8-bit के द्वारा अपनी टीम को खत्म होते हुए भी नहीं देखना चाहेंगे. थोड़ी बहुत फाइट्स देने की इन्होंने कोशिश करी. फर्स्ट एड लगाई जा रही है. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है इनकी. जूसी बिल्कुल साइड लाइन्स में आ चुके हैं. हर कोई सर्वाइव करता हुआ लेकिन जूसी को करेंगे खत्म और एक साइड लाइन से गाड़ी को खत्म करके मैडमैन टीम को दिलवाएंगे एक विनर विनर चिकन डिनर. क्या खेला है टीम 8-bit ने जिस तरीके से सही टाइम पे सही निशाना इन्होंने लगाए. अब ग्रैंड फिनाले 3 मैप्स बचे हुए हैं. Are you still sticking to what you said yesterday? मतलब अभी try कर रहे हैं वही चीज़ कि अभी कोई भी मैच में उतना जल्दी ना eliminate हो तो हो सकता है comeback अभी भी. भाई कुछ भी कह ले इससे नज़र नहीं हटती. स्टेज पे आ जाओ ये यहाँ पे ऐसे चमक रहा है right? Are you aiming for the trophy? You know you got 3 maps man. Obviously we are aiming for this like हम लोग सोच कर आए थे आज कि आज कुछ करना है. हम लोग बाहर सबको बोल रहे थे अपने ओनर्स को भी आज फीलिंग आ रही है आज फोड़ेंगे. ऐश ओजी ऐश ही स्पॉट से मेक ओपी की एचपी काफी लो हुई और उनको किया जाएगा डाउन. WSB is in for the fight ball. Wiz God एक को करेंगे डाउन दूसरे को भी डाउन. क्या क्या तीसरे को कर पाएंगे? जी नहीं बैकअप की सख्त दरकार लेकिन बैक एंड से आ चुकी है गॉडट्रेन. दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड. एक्विनॉक्स बिल्कुल आगे जा रहे हैं. क्या एक्विनॉक्स ने देखा नहीं है खिलाड़ी को? ऐश अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. ऐश तो इनफैक्ट सबसे पहले दिखे थे. ओजी यहां पे आए टीम एनिग्मा के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए. इकलौते हैं इंफिनिटी बैरली तिनके के सहारे जीवित है. फर्स्ट एड लगाने का भी वक्त नहीं है और डैमेज दिए जा रहे हैं. सोच में है कि अगर निंजा बॉय को आखिरी शॉट लग जाए पर अगर अब फर्स्ट एड लगा के एक दो प्लेयर को हील कर सकते हैं वापस से वो रीसेट मिल जाएगा. निंजा बॉय ने खुद को सिर्फ कुछ एचपी पर किया. वो प्लेयर को फिनिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वहां पर आप देखिए डीपीएस के अंदर एमो नहीं है. एकेएम का भी एमो खत्म होने वाला है. M4 का भी एमो खत्म हो चुका है. बिल्कुल सामने निकलेंगे एंड निंजा बॉय सर्वाइव. हीलिंग नहीं है बस एक एक गोली के मेहमान है.
Zeref, Scream, Armand. Gojwin तो आराम से चढ़ सकती है. पावर प्ले का पावर पैक्ट इस्तेमाल. आखिरी 8 गोलियां ज़ेरेफ के पास. स्पॉट किया, 7 बची, सेफ रखेंगे. लेकिन कितनी देर तक इंपैक्ट उनको किया जाएगा डाउन. और अब बचे आर्मन, काफी कम एचपी है. साइड पे आ गए हैं 8-bit के खिलाड़ी, उनके ऊपर अब वन ब्लेड हावी हो रहे हैं. दूसरी तो नॉक थे ही, 20 भी देखिए वो भी नॉकड आउट है. थोड़ी ही देर के मेहमान है, बट कोई दूसरे छोर से बीस्ट को एंगल मिला था. मुझे लगा नॉक पड़े हैं, बट नो, प्रोन डेंट थे, बट फाइनली नॉक किए गए. बट भारी भरकम डैमेज इन्होंने डील किया है. 8-bit के प्लेयर्स, पिछला गेम तो बहुत अच्छा था, इस गेम में अब थोड़े से सख्ते में आ रखे हैं. हालांकि माइटी के पास एंगल अच्छा, वापस से डाउन किया रॉकस्टार को. खत्म करने की कोशिश एकेएम सप्रेसर का इस्तेमाल करके, और बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी आ गए. माइटी को किया जाएगा डाउन. अलग जंग चल रही है फिलहाल के लिए. ड्रीम्स, तीन प्लेयर्स एक्सपा के अभी भी जीवित है. अलादीन काफी ओपन में आए हैं, और ड्रीम्स ये आखिरी फटका ये लगाने वाले हैं. टीम एक्सपार पिछले गेम में भी #2 पोजीशन आए थे, वन ब्लेड. चलिए किसी तरीके से जादू को रिवाइव तो कर लिया, बट मैडमैन हावी होना चाहते हैं. शॉट्स लिए गए थे, लेवल 3 का आर्मर वेस्ट है, दोनों सब कुछ है, हेलमेट भी है. एक ग्रेनेड नहीं है, बस एक ग्रेनेड होता तो बात ही कुछ और होती. होते वो एक ग्रेनेड इससे जस्ट पहले था जो कि इस्तेमाल किया गया. उस समय गोश्ती साइड लाइन्स में हो गए, जिसके कारण वो बचे रह गए. और खिलाड़ियों को पकड़ सके, अगर पकड़ पाए तो सही रहे. वहीं पे मैक अंदर घुसना चाहते हैं, बीएलटी के ऊपर हावी होने की कोशिश मैक की. हालांकि एचपी थोड़ी सी कम करी गई है, पंक ने खुद को हील कर लिया, जैसी का बैकअप मंगा लिया है. मतलब मैक के लिए दिक्कतें हो सकती हैं. फेक बनाम 3 उनके लिए बड़ी चुनौती. मैक अभी भी अंदर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन उनको खत्म किया जाएगा. कर लिए और वो आउटपोस्ट की तरफ जा रहे हैं. इतने सारे स्मोक्स हैं तो उन्हें भी एक अंदाजा है कि कोई ना कोई मौजूद तो रहेगा. स्मोक के अंदर ही गाड़ी पार करी डेस्ट्रो के पास. हील करने का कोई टाइम नहीं है. आउटपोस्ट की तरफ पूरा वार इन्होंने कर दिया है, और प्लेयर्स एक के बाद एक सबको डाउन करते हुए नजर आएंगे. टीम एक्स पार्क बोट एक्स, बट ग्लैडिएटर्स गॉड्स रेन को जब फुल स्टॉप लगाना चाहिए, अब खत्म करने की पुरजोर कोशिश है. क्या ऐसे में किया जा सकता है जी? एक्विनॉक्स आखिरी खिलाड़ी बचे हैं DBS के सहारे, और जस्टिन मेटल के ऊपर इनका एक ग्रेनेड गया था, कल सारी चीजें बदल दी थी. आज गॉड्स रेन के ऊपर एक ग्रेनेड गया है, क्या ये चीजें बदल पाएंगे? एक्विनॉक्स अभी भी कर रहे हैं सर्वाइव. नो, जल्द से जल्द यहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन ये है कि यहाँ पे उनको फाइट लेना पड़ेगा. स्प्रे ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्विनॉक्स के हाथ पे DBS है, एंड जस्टिन प्रिवेल सुप्रीम. पंक आल्सो रिस्पोंडिंग बैक, वो चार्ज इन कर रहे हैं, वो 1v1 ये फाइट लेना चाहेंगे. DBS है उनके हाथ पे, बट जस्टिन के पास HP ज्यादा नहीं है. जिगल आउट कर रहे थे, बट पंक प्रिवेल सुप्रीम एंड वेलोसिटी ने करके दिखा दिया ये चिकन डिनर अपने नाम. ये हैट्रिक को रोका है, ये ग्लैडिएटर्स को रोका है. वेलोसिटी का बोलबाला बहुत बेहतरीन है, अच्छा विनर विनर चिकन डिनर. टप्पा करने की बात हो जाती है. डार्क लॉर्ड ने कल मीरामार के मैप में ही 10 फिनिशेस निकाले थे, आज शुरुआत तो करनी पड़ेगी. हालांकि एक एक करके जो खिलाड़ी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं वो खत्म कर सकते हैं. जी नहीं, दो खिलाड़ियों को डाउन किया, फीड कर लिया है. गुड ग्रेनेड, बाल बाल बचे. जैजी गोइंग विद द ग्रेनेड ऑफ हिज ओन. दो खिलाड़ी डाउन है गॉड्स रेन के, और जैजी आगे जा रहे हैं ऑक्टेविस के साथ. पंक पीछे से कवर देने की कोशिश, जैजी गोइंग इन फॉर द फाइट. ब्लेज माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस वन. एक बहुत बड़ा केओस आ रहा है, वेलोसिटी की सुनामी आ रही है बिल्कुल सामने से मेरा मार के मैप में, और ब्लेज के ऊपर ही गन्स ब्लेज आउट करेंगी इसके साथ. एंड बस इमॉर्टल को गवाया था, बट ओरैंगुटान के ऊपर देखिए पुश आ चुका है. टीममेट पे ढावी होना चाह रही है. मैडमैन वहां पे नॉक थे, बट बीस्ट का ये ग्रेनेड सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिगर और AKOP को वापस आना पड़ेगा. टीम 8 बिट ये आ पड़े हैं फाइट के अंदर. जूसी की HP काफी कम है, ऐश पीछे से कवर फायर दे रहे हैं, बट OR Esports ये भी आ चुके हैं. ऐश का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक्स यहाँ पे टीम 8 बिट के लिए काफी ज्यादा अड़चने पैदा करते हुए. AKOP बाहर आ चुके, माइटी इकलौते आखिरी बचे थे. कोशिश है ओरैंगुटान का कि अपने विस्कॉट को किसी तरीके से बचा के रखें. ऐश को फिर से एक अहम भूमिका निभाना पड़ेगा, एंड OR Esports देखिए आइसोलेट करके ऐश के ऊपर ही चढ़ रहे हैं. ऐश हैज टू फाइंड दोस नॉक्स, एंड मैच देखिए आंख में पट्टी लगा के आगे बढ़ के चले गए, और यहाँ पे ऐश के हत्थे चढ़ चुके हैं. अभी के लिए देखना यही रहेगा, मैक इकलौते खिलाड़ी बचे हैं, और ओरैंगुटान के लिए एक भेंट हो सकता है अगर यहाँ पे मैक फिनिश हो जाए. देखते हैं किस प्रकार से होगा. इनफैक्ट मैक को फिनिश किया भी जाएगा, और ओरैंगुटान 6 फिनिशेस, इंपॉर्टेंट फिनिशेस. ऐश ने बट गोलियां खत्म हो गई, रिलोड करके वापस से लेंगे, इस बार निशाना नहीं चूकेंगे. और देखिए टॉप 2 में कौन है, Gladiators and Orangutan, the teams that are actually in top 2. अब यहाँ 15 और 12 की जंग है, यहाँ पर दबदबे की जंग है. Orangutan played the best BGMI of the entire tournament.
Gladiators is on a roll, but Destro bacha aakhri khiladi unko bhi kiya jayega khatm with a bang. OG gets back the first position. Gladiators is on second, but what a game. Orangutan, one more game remaining. Bro, can you smell money right now? Can you smell 1 crore rupees? I want trophy, but yeah, I can smell money. Trophy is the most important thing to me right now. अब जैसे क्या सोच के आप अगले मैप की तरफ जाने वाले हैं? हम यही सोच के जा रहे हैं कि अपना बेस्ट देना है एंड ये तो क्लोजिंग है हमारे तो मे द बेस्ट टीम विन. यार अगर थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखें एंड आई डोंट लाइक सेइंग दिस लेकिन कुछ बहुत क्रूशियल मोमेंट्स जो होते हैं जब टूर्नामेंट के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप होते हैं वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं वेयर यू कुड से दैट यू हैव चोक्ड. अब नंबर टू से कोई खुश नहीं होता है क्योंकि दुनिया याद नहीं रखती है, नंबर वन की तरफ बढ़ना है. प्रेशर इज ऑन यू गाइस. आई मीन प्रेशर वेशर वाला कोई सीन तो है नहीं, हम अपना नेचुरल गेम ही खेल रहे हैं मैच वन से ही. एंड जैसे कि आश ने बोला हमारा डे वन पे ही बात हुआ था तो हमने आपस में ये बोला था फर्स्ट और सेकेंड हमें आनी चाहिए तो आई गेस वो होगा. तो अगर कोई और टीम जीती तो थोड़ा मतलब बुरा लगता बट अगर ये लोग जीतेंगे या फिर हम जीतेंगे तो ठीक है चलेगा. मार्कस गेमिंग भी कैसी टीम, फुल रिवैम्प हुई थी, 7C के कुछ प्लेयर्स आए थे, सायम का एडिशन टू द रोस्टर, दे वुड लुकिंग सो गुड. और वहीं पे आप देखिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आर स्टिल ऑन टू द फाइट और ओआर के खिलाड़ी अब आ चुके हैं एज इफ दे हैव नथिंग टू लूज एंड दे आर गोइंग फॉर द प्लेयर्स एज वेल. ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को एक-एक करके पकड़ा है, ओआर ने पकड़ा है. ये ओआर तो हम ढूंढ रहे थे, कहां थी इतने दिन से. आप ये होना चाहते हैं ऑलरेडी एनिग्मा गेमिंग बहुत नुकसान ले चुके हैं. अब ओवेस आखिरी खिलाड़ी वहाँ पे उनके बगल में इन्फिनिटी मौजूद है. इन्फिनिटी का भी स्टेप अप करना कितना बेहतरीन था बट देखिए घुस पड़े इन्फिनिटी की तरफ भी. ये दो खिलाड़ी भी नॉक फिनिश हो चुके हैं, बस इकलौते बचे होंगे टीम ब्लाइंड. नकुल को तो गवा चुके हैं बट टूर्नामेंट हाथ से गया है. गॉड्स रेन भी आ चुके हैं, सभी एक दूसरे के खिलाफ फाइट ले रहे हैं और इन सब के बीचों बीच ओरैंगुटैन एंड ग्लैडिएटर्स भी लाइक आप लड़ लो जब खत्म होगा सब निपटेगा हम आएंगे. स्पोर्ट्स को ऑलरेडी समझ आ चुकी है यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली मौजूद है और देखिए बेखौफ अंदाज से पुश कर रहे थे बट निंजा बॉय ऑलमोस्ट एक क्लच करने के कगार पे और क्लच कर भी दिया है. निंजा बॉय, माय गॉड, एक नॉक निकल चुका है, दूसरा नॉक भी ऑलमोस्ट निकल सकता है. एंड ये देखिए एकेओपी फिर भी फाइट बैक करते हुए, एचपी काफी कम है, जाजी का सपोर्ट आ चुका है, ट्रिगर अभी तक फिनिश नहीं हुए, इसका मतलब इन्हें पता नहीं है सामने ओजी है. जाजी व्हीकल घुमा रहे हैं, एकेओपी पूरी जोर कोशिश, यहाँ पे क्या एंगेजिंग करना चाहेंगे ये एक बड़ा सवाल. इनफैक्ट बैकएंड पे बैकअप आया था बट एश को भी किया गया डाउन, दिक्कत हो चुकी है. एकेओपी अकेले खिलाड़ी बचे, इकलौते खिलाड़ी किस तरीके से करेंगे सर्वाइव. जी नहीं, वेलोसिटी टेक डाउन ओरैंगुटैन और ओरैंगुटैन दे कांट बिलीव इट. OG the curse, is it real? Is it? So close. इनकी उम्मीदें अब दूसरों पे टिकी हैं. क्या निंजा बॉय दिक्कत दे सकते हैं? बगी पता चल चुकी है, शोगन अंदर जाएंगे एस्ट्रल के का इस्तेमाल कर करके लेकिन उनको किया जाएगा डाउन और खत्म करने की पुरजोर कोशिश. निंजा बॉय 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं. एक ग्रेनेड क्या ये फिर से रिकोशे करके फेंकना चाहेंगे, खुद बाहर आ चुके, फाइट नहीं देगी पूरी पूरी कोशिश है, एक और खिलाड़ी को करेंगे डाउन और यहीं पे हो चुकी है दिक्कत. निंजा बॉय नीड्स टू सर्वाइव और वो फिनिशेस कोई और उठा रहा है दूसरी तरफ से. वन ब्लेड वीएलटी को करेगी खत्म लेकिन थोड़े से पीछे हटे हैं, टॉप डॉग भी हैं, ये मोर्चा संभाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. टोन इन द मीनवाइल एक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश, स्मोक के घेराव में और एंगल तो बन ही नहीं पा रहा है बट सामने से ग्रेनेड आएगा और रॉनी ये डाउन हो जाएंगे. मान्य अभी भी कोशिश कर रहे हैं एफपीपी का स्वॉप करके, वो डेफिनेटली शॉट्स लेना चाहते हैं लेकिन उनको पकड़ा जाएगा टॉप डॉग के शॉट्स के द्वारा. प्लेयर्स को कि कितनी टीमें बची हैं, पूरी कोशिश करेंगे बट ये पता है कि ओजी नहीं है. जी हाँ ओजी नहीं है. अब सारी जितनी भी गणित जिंदगी भर में सीख रखी थी अब सब कुछ चल चुका है. ग्लैडिएटर्स की डेल्टा फाइनली खत्म होंगे जाके छठे पायदान पे
हमें तो रिजल्ट मालूम पड़ चुका है, बट अब टॉप थ्री की एक जंग है। ट्राइंग टू फिगर आउट द प्लेस और पुकार को पकड़ने की पूरी कोशिश, एक मोलोटॉव उसी जगह पर डाला जाएगा, शायद पुकार इससे ना निकल पाए। इमॉर्टल बचे हुए, इमॉर्टल और पुकार में दूसरे तीसरे पायदान की जंग, बट एक्विनॉक्स को फिनिश लेकर के जाएंगे और इमॉर्टल बचते हैं दूसरे पायदान के लिए। एक खिलाड़ी को पकड़ा जाएगा, एक एक अंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोलियां खत्म हो गई, वो एक पॉइंट नहीं ले पाए और गॉड्स रेन आखिरी गेम अपना चिकन डिनर बना चुकी है, लेकिन कहानी उनकी नहीं है। Rollicking day, but before we give away this beautiful trophy and that massive, massive check of 1 crore rupees to the team that are deserving winners, we've got some individual brilliance awards, and that is what we're going to do right now. So for these awards, I'm going to call on some special dignitaries. First up, Arvind Kumar Gupta, who's the regional business head north for TVS Motors. If I could have you on stage, sir, to give away our first award, which is TVS Wicked Player. The maximum finishes. I mean, there was a fight between Spray God and everybody else throughout the tournament. But who's winning this one? You know what they get. Are we ready for it? Justin from Gladiators Esports, he's the deserving winner of the Most Wicked Player. Right. The next one is the audience favorite raider, and that goes to Akshat from Seoul. Congratulations, Akshat. Karan Pathak is our next dignitary. He's the associate director for esports for Crafton. Sir, could we have you on stage for this next award, which is probably the most important, crucial awards, the most valuable player of the finals. And we have seen many players ply their trade, but the gentleman who wins this, I told you, I'll need you sooner than you think. It's Justin from Gladiator Esports. And he wins a prize money of 1,20,000 rupees. Justin, there you go. And now we come to our first runners-up. For this, I'd like to request Mr. Kamlesh Ramchandani, the head of special projects and distribution, to come on stage from Star Sports. Hi, Kamlesh. Are you ready for this? The first runners-up, they win 35 lakh rupees. And it is Orangutan, who missed the big prize money of 1 crore by just a solitary point, but nonetheless, beautifully played. OG. Guys, if you can hold the check and pose for the cameras. I know you guys missed out on being the winners of the season by 1 point. You guys were phenomenal. There's a huge crowd that is there. Can we give a shout out to OG in the style that we know? There you go. And now, for the main event, for this trophy and the biggest check in the house, for this I'd like to call on Gautam Vik, the co-CEO of Nordwin Gaming, my man. He hates this, but we're gonna still do it. Can we have a huge shout out for Gautam? Are we ready for this? A check of 1 crore is coming right here. And this trophy, boys, I don't need to name you. You need to be here on stage to collect this. Can we call on Gladiators Esports, the champion of BGMI Master Series Season 2? Can we get the check first? We'll be right back.
ये मैं संभाल के रखूं? हाँ गाइस कम ऑन ट्रस्ट मी राइट जस्टिन ये भी यही है राइट बट अब वो मोमेंट दैट विल बी कैप्चर्ड वो मोमेंट जो बनेगी स्टोरी वो मोमेंट जो बनेगी रील एंड इट्स अ मोमेंट दैट्स गोना बी चेरिश्ड फॉर इयर्स टू कम एंड फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू कम हियर गौतम इफ यू कुड जस्ट स्टेप राइट इनटू द मिडल यू एंड आई नीड टू मूव बिकॉज दिस इज देयर मोमेंट Ladies and gentlemen, the winners of BGMI Master Series Season 2, Gladiators Esports! Very little is left to say after the performance of Gladiators Esports, what they put out, and what an amazing journey it has been.